यही जिम है जहाँ पे मैंने बैठ के 100 कॉल किए थे। हाँ बुलाओ, फिर से बुलाओ, भौंको उनको, भौंको। पापा से मम्मी धाव के प्यार करते हैं, मुझे तो डांट देते हैं। Good morning people, I hope you guys are doing great. My name is Sethu and you guys are watching The Guy on Road. आज के व्लॉग में क्या होने वाला है यार? आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा इमोशनल हो सकता है, क्योंकि मेरी बहन की जो तबीयत है वो कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ख़राब है और उसको मम्मी पापा से मिलने का बहुत ज़्यादा मन है, पर मम्मी पापा यहाँ थे नहीं और वो परेशान हो रही थी, और आज मम्मी पापा स्पेशली आ रहे हैं इंदौर उसके लिए। तो मॉम डैड की जो ट्रेन है वो अराउंड 2:15 बजे तक आनी है, तो उसके पहले मैं फटाफट जाता हूँ और वर्कआउट कर लेता हूँ। भाई गायब, मतलब कहीं भी कौन छोड़ता है इनको? क्यों पालते हो जब ऐसे रोड पे छोड़ना वालों? बारिश ना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर वो मैं घर के अंदर हूँ या मैं कार के अंदर हूँ और फिर हो रही है तो ठीक है, बाकी पानी कीचड़ जी यार। अगर आप लोगों ने मेरा एक वीडियो नहीं देखा है जिसमें आई हैव वर्क्ड एज अ रिसेप्शनिस्ट, तो वो यही जिम है जहाँ पे मैंने बैठ के 100 कॉल किए थे। 2 hours later, after completing my amazing workout, it's time to go home and get ready, zup zup, क्योंकि मम्मी पापा को लेने जाना है छुट्टी। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मेरे जब मम्मी पापा मेरे पास में हो जाते हैं तो मेरी आवाज बदल जाती है, मैं वापस हो जाता हूँ एक छोटा बच्चा जो जिद्दी है, जो हर चीज अपनी मनवाना चाहता है और लड़ियाता है। मतलब ऐसे मेरे को देख के कोई बोल नहीं सकता कि मैं उनके आने के बाद मेरी आवाज बदल जाएगी और मैं लड़ियाने लगूंगा। मेरे को खुद को कभी कभी यकीन नहीं होता कि क्या यार, मैं ना जल्दी जल्दी मैं भूल ही जाता हूँ सब कुछ करना। तो क्विक अपडेट, मैंने घर जाके एकदम बेहतरीन नहा धो के अपनी चोटी बना के मैं निकल गया हूँ। मम्मी पापा क्रॉस कर चुके हैं महालक्ष्मी नगर, अब उसके बाद इंदौरी स्टेशन आता है। अब मेरे को ये भी पता नहीं है कि वो नए वाले स्टेशन में आने वाले हैं या पुराने वाले पे। Eventually, देखो कार में कौन कौन है। स्टेशन के पे मैं वीडियो बना ही नहीं पाया, पापा ने मुझे डरा दिया था फोन करके, है ना पापा? पापा कछु बोलेंगे? बबे, मैं स्टेशन पहुंचा 3 मिनट लेट और पापा ने फोन करके चमका दिया यहाँ खड़े हैं डैडी डैडी। तो मैं फटी में वहाँ पे कुछ वीडियो शूट करने के मतलब दमी नहीं बची भाई, मैं भग के सामान लेके भग लिया वहाँ से चुपचाप कि चलो गाड़ी बाहर खड़ी है, रिस्क नहीं ले सकते ना, रिस्क सबके सामने डांट खाएंगे अच्छा थोड़ी लगेगा। अब हम जा रहे हैं धारा के घर उसको सरप्राइज देने। लेकिन तकिया मुंह पर रख के कौन सोता है? तकिया नीचे रख के सोने के लिए होती है भाई। बस कल आ जाओ, आगे कल ब्लॉग, इमोशनल ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। पापा से मम्मी धाव के प्यार करते हैं, मुझे तो डांट देते हैं। बुखार है तेरे को? तो अब हम जा रहे हैं अपने घर, किससे मिलके? ससुराल वालों से, मायके वालों से, किससे मिलके? बहन से। बहन से? उनके घर वालों को क्या बोलते हैं? बहन की ससुराल वाले। बहन के ससुराल वालों से मिलने के बाद अब हम जा रहे हैं घर। जैसे डैडी बैठे थे तब से अभी तक वैसे ही बैठे हैं, नो चेंज, सेम एक्सप्रेशंस। डैडा वाह, ब्लू कौन है? ब्लू कौन है? बाहर कैसे आ गए? भौंको इनको, भौंको। क्या कौन है? कौन मिलने हैं तुमसे? हाँ उधर उधर मिलो, देखो जाओ जाओ।
हाँ देखो कौन आया, देख के जाओ, जल्दी जाओ, देखो क्या लाया। क्या हुआ? हाँ क्या हो गया? हाँ बोलो क्या हुआ? भोको उनको, मिले नहीं तुमसे? भोको, हाँ भोको। हाँ क्यों? बुलाओ बुलाओ पापा को। तुमसे मिले नहीं? मिले नहीं तुमसे? हाँ बुलाओ, फिर से बुलाओ, भोको उनको, भोको। हाँ मिलो मिलो, मिले तुम पापा से? मिल लिए, मिल लिए। हाँ बस अब बीच में बैठ जाओगे। सामान कैसे लेके जाएंगे वहां से? फिर ब्लू बुला। तो मैं आ गया हूँ अब ब्लू को घुमाने, और आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं खत्म करते हैं। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, कमेंट डाउन बिलो कि मेरे को और क्या बनाना चाहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द गाय ऑन रोड्स, एंड वेरी सून आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट ब्लू।